हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए कुछ रोचक जानकारी लेकर के आया हूं। जैसे आज का मेरा टॉपिक है भारत रत्न। मैं आज आपको भारत रत्न में जो सुविधाएं मिलती हैं और उससे जुड़े हुए रोचक तथ्य हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह उन महानुभावों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र की सेवा की हो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की को संस्थापित किया था। उस साल लगभग 3 महानुभावों को यह सम्मान दिया गया था। यह कोई जरूरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए। भारत रत्न देने के लिए जो नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। इस पुरस्कार में किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुदान नहीं होता है। बता दें कि इसी तरह खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान बाद में दिया गया है। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले अब तक के इकलौते भारतीय हैं। आइए जानते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं कुछ यह जानकारी भी बताना चाहूंगा कि अब तक यह 48 लोगों को दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं भारत रत्न के डिजाइन की। पहले भारत रत्न का डिजाइन में 35 mm गोलाकार एक स्वर्ण पदक था और इस पर सूर्य बना हुआ था, जिसके ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ था और नीचे की तरफ पुष्पहार था। इसके पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और वाक्य लिखा होता था। इसके बाद इस रत्न में बदलाव करते हुए तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया था। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके रोचक तथ्यों के बारे में। प्रतिवर्ष भारत रत्न देश के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। 1954 से अब तक कुल 48 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस सम्मान को पाने के बाद विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश के लिए VIP होता है। इस सम्मान को पहले मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में इसे बदल दिया गया और बाद में यह मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह सम्मान हर साल दे या ना दे। एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इस पुरस्कार को 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 के बीच बंद कर दिया गया था।
2011 में खेलकूद के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के क्रम में शामिल किया गया। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। सचिन तेंदुलकर जो 40 ईयर के सबसे कम उम्र के वे भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि डी के करवे सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली शख्सियत थे। उन्हें 100 साल की उम्र में यह सम्मान मिला था। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मरणोपरांत शब्द वापस लिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर विवाद था। भारत रत्न के संबंध में कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से नवाजा गया। मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है। भारत रत्न पाने वालों को इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है, साथ ही वे संसद की बैठकों और सत्र में भी भाग ले सकते हैं। ये गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भी भाग ले सकते हैं। इन्हें हवाई जहाज, ट्रेन या बस में निशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अगर किसी राज्य में घूमने जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रतीक के रूप में भारत रत्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको भारत रत्न से सम्मानित जो महानुभव है मैं उनकी सूची बताना चाहूंगा, क्योंकि यह अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है, इसलिए इसमें काफी नाम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य 1954, डॉक्टर मोक्ष गुंडक विश्वेश्वराय 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955, डॉक्टर भगवान दास 1955, पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1957, डॉक्टर धोके केशव करवे 1958, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963, डॉक्टर पांडुरंग बामन केन 1963, लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, वाहरागिरी वेंकटगिरी 1975, कुमार स्वामी कामराज 1976, मदर टेरेसा 1980, आचार्य विनोबा भावे 1983, अब्दुल खान गफ्फार खान 1987, मरुदूर गोपालन रामचंद्रन 1988, डॉक्टर नेल्सन रोहिल्लाला मंडेला 1990, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1990, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991, राजीव गांधी 1991, मोरारजी रणछोड़ जी देसाई 1991, सत्यजीत रे 1992, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992, जहांगीर रतनजी टाटा भाई टाटा 1992, गुलजारी लाल नंदा 1997, अरुणा आसफ अली 1997, डॉक्टर अबुल पकीर जनाबुलुद्दीन अब्दुल कलाम 1997, मदुरै सन मुखान विंदु सुबुलक्ष्मी 1998, चित्रम्बन सुब्रमण्यम 1998,
पंडित रविशंकर 1999, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई 1999, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999, उस्ताद बिस्मिल्ला खान 2001, लता मंगेशकर 2001, पंडित भीमसेन जोशी 2008, सी एन आर राव 2014, सचिन तेंदुलकर 2014, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, मदन मोहन मालवीय 2015, नानाजी देशमुख 2019, भूपेन हजारिका 2019, प्रणब मुखर्जी 2019। अब तक के पुरस्कार किए गए लोगों में ये नाम शामिल थे जो मैंने आपको क्रमवार सन के अनुसार क्रम वाइज बताए हैं। तो ये थी हमारे भारत रत्न को पाने वालों के कुछ रोचक जानकारियां। इसी तरह मैं आपके लिए कुछ रोचक जानकारियां लेकर के आता रहूंगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।